रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत में तो यूक्रेन के सहयोगियों ने इसकी मदद की, लेकिन युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है और सहयोगियों की मदद का कोई नतीजा निकलता नहीं दिख रहा है। इसे देखते हुए अब यूक्रेन की मदद करने वाले कई देशों के भीतर से यूक्रेन का समर्थन बंद करने की आवाज उठने लगी है। ताजा मामला पोलैंड का है। पोलैंड नेटो देश है और यूक्रेन को नेटो देशों का समर्थन हासिल है। हालांकि अब पोलैंड के लोग रैली निकाल रहे हैं और अपनी सरकार से यूक्रेन का समर्थन बंद करने के लिए कह रहे हैं। बुधवार को सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने वार्सो शहर में रैली निकाली और पोलिश झंडा और युद्ध विरोधी बैनर लेकर यूक्रेन का समर्थन बंद करने को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का तर्क था कि सरकार के रुख से देश को युद्ध में घसीटे जाने का जोखिम है। शांति मार्च नाम से किए गए इस प्रदर्शन में कई स्थानीय युद्ध विरोधी समूहों ने भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने नारा भी लगाया कि नॉट आवर वॉर, यानी ये युद्ध हमारा नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने आज हमारे टैंक कल हमारे बच्चे, पोलैंड का अमेरिकीकरण बंद करो जैसे नारे लिखे हुए बैनर भी ले रखे थे। पोलैंड वासियों के मार्च के पीछे के एक प्रमुख पोलिश राजनीतिक वैज्ञानिक लेस्जेक साइकुलस्की ने कहा कि हम किसी और के युद्ध में शामिल होने से सहमत नहीं है, हम तोप का चारा बनने से सहमत नहीं है, हम यूक्रेन के लिए बिना शर्त और निरर्थक समर्थन से सहमत नहीं है। आपको बता दें कि साइकुलस्की ने पोलैंड द्वारा यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता का लगातार विरोध किया है और वर्षों से रूस के साथ बेहतर संबंध बनाने की वकालत करते रहे हैं। फरवरी 2022 से शुरू हुए रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच पोलैंड यूक्रेन के प्रमुख समर्थकों में से एक बन गया था। पोलैंड ने अपनी तरफ से यूक्रेन को भरपूर सैन्य सहायता प्रदान की और उसने अन्य पश्चिमी देशों द्वारा यूक्रेन को प्रदान किए जाने वाले हथियारों के लिए प्रमुख केंद्र के रूप में भी भूमिका निभाई। हालांकि अब यूक्रेन और पोलैंड के बीच संबंधों में आर्थिक मुद्दों को लेकर कड़वाहट आ गई है। इसकी बड़ी वजह यूक्रेन से सस्ते कृषि उत्पादों की सप्लाई और स्थानीय माल ढुलाई कंपनियों द्वारा कंपटीशन से चिंतित पोलैंड के किसानों और ट्रक ड्राइवरों द्वारा महीनों तक चलने वाला विरोध प्रदर्शन भी शामिल है। पोलैंड के इस फैसले से पहले रूस भी यूक्रेन का समर्थन करने वालों को धमकाता रहा है। रूस का कहना है कि जो भी देश यूक्रेन की मदद के लिए आगे आएगा वो रूस के लिए वैलिड दुश्मन है और रूस उनको छोड़ेगा नहीं। रूस के इस तरह के बयानों के पीछे कहीं ना कहीं ये मंशा भी दिखती है कि वो यूक्रेन के समर्थकों को इसी तरह से भड़का कर उन्हें यूक्रेन से दूर करने के लिए दबाव बना रहा है।